हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ मूलगांव में श्री खंडोबा देवस्थान के इधर, और मुझे ज्वाइन किया हुआ है साहिल, मन्नू और अमय ने। तो यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो मैं ज़रा आपको लोकेशन बता दूँ। मेरे आसपास का जो नज़रिया है, ग्रीनरी है फुल यहाँ पर, आप देख सकते हो। मंदिर है स्टार्टिंग में, और इसी के साथ सीढ़ी चढ़ते हुए हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा धूप नज़र आ रहा है, करीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। बट ग्रीनरी आप आजू बाजू देखोगे तो बहुत ही क्लीन नज़र आ रहा है। थोड़ा सा धूप फिर कैमरा की तरफ आते हुए मैं वो साइड का दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। अब इसके साथ जब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो ज़रा सा यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो आजू बाजू है काई सी जमा हो गई है सीढ़ी पे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ से जाते हो तो ये वीडियो एक वॉइस ओवर है, नीचे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा फिसलन टाइप है, क्लाउड्स बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए ये साइड पे अगेन आपको सन नज़र आएगा, बट पीछे के साइड पे आपको फुल ब्लू स्काई विथ क्लाउड्स नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बताया थोड़ा सा फिसलन है, काई है आजू बाजू में। जब आप यहाँ से जाओगे थोड़ा सा केयर कीजिएगा, फिसलन की तरफ से बचिएगा जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे चले जा रहे हैं। ये जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे फिसलने का थोड़ा चांसेस है, जिसकी मैं बात कर रहा था वो है यहाँ पर ये। और यहीं से बढ़ते हुए हम जा रहे हैं देवस्थान के तरफ, जो थोड़ा ऊपर है। करीबन आपको 10 to 15 मिनट्स ये सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ सकती है। मैं मेरा स्पीड बता रहा हूँ, जितने टाइम पे मैं पहुँचा था यहाँ पर। ऊपर पहुँचने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है, नज़र बहुत ही क्लीन क्लाउड्स के साथ और ब्लू स्काई। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किए हुए हैं क्योंकि हम लोग थक गए थे। यहाँ से आप नीचे की तरफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का व्यू नज़र आता है। सो माय फ्रेंड वाज ट्राइंग टू ब्लॉग हियर। उसके बाद हमने फिर से दोबारा ऊपर चढ़ना कोशिश किए, यानी कि हमने स्टार्ट कर दिए थे फिर से ऊपर चढ़ना। तो ये यहाँ पे लोकेशन की तरफ जाते हुए मेरे दोस्त की मस्ती, और ये स्काई आप देखोगे तो पूरा क्लीन नज़र आ रहा है क्लाउड्स के साथ। फिर इसके बाद में ये देखिए, सन उतना अब नहीं, मतलब डायरेक्टली कैमरा पर नहीं आ रहा है, क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। मे बी पॉसिबल जो झाड़ था हमारे लेफ्ट साइड में उसी से कवर हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको सन नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड में। मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, कुछ हमारे प्यारे से दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाद में सन कैमरा में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ये हमारा जो देवस्थान था यहाँ पर हमने विजिट किया था, तो यहाँ से जर मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ और कैप्चर भी किया हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा सन आ रहा है तो थोड़ा सा ये पार्ट में दूसरे साइड पे चले जाऊंगा। यहाँ पे अगेन सन फोकस कर रहा है क्योंकि ऊपर के साइड पे धूप एकदम क्लीन था। डायरेक्ट कैमरे की तरफ वो साइड पे आपको नज़ारे दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं दूसरे साइड पे आया हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे क्लीन क्लाउड्स, आपको माउंटेन्स नज़र आएंगे। ये थोड़ा सा कैमरा में मेरा फॉग टाइप जमा हुआ था क्योंकि ऊपर जा रहे थे, तो मे बी पॉसिबल उसकी वजह से वो फॉग मेरे कैमरे के लेंस पे कवर हो चुका था। यहाँ साइड से आपको देखोगे तो ये देखिए, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, एकदम क्लीन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए फुल ग्रीनरी, माउंटेन, क्लाउड, स्काई, ये देखिए यहाँ पर। तो ये मैं दूसरे साइड पे हूँ, मंदिर के पीछे के साइड पे हूँ। सामने की ओर जब था मैं तो एकदम धूप का साइड था, उसके पीछे के साइड पे मंदिर बना हुआ है, इसके वजह से वो साइड पे आपको पूरा शेड नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्लीन आपको क्लाउड्स नज़र आएंगे, अगेन धूप है यहाँ पर। ये ग्रीनरी है पूरे लोकेशन पे। ये मंदिर में जो आपकी बात कर रहा था, जहाँ पे मैं पहुँचा था, ये मंदिर जहाँ पे मैं विजिट किया था,
तो ये मूलगांव में श्री खंडोबा देवस्थान है, और इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको ज़रा सा क्लीन नेचर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने आप अगर देखोगे तो क्लाउड्स नज़र आएगा, स्काई नज़र आएगा, सन भी आ रहा है नज़र, जो कैमरे पे डायरेक्ट फोकस्ड है। बट उसी का तब अगर एटमोसफियर देखोगे तो एकदम क्लीन नज़र आ रहा है वहाँ पर। इसी के साथ मैं ज़रा आपको ये नीचे बता दे देखिए, पूरा बेड्स छाया हुआ है, जैसे हम एक चादर बिछाते नीचे, ग्रीनरी फुल उस तरीके से छाया हुआ था। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ, जैसे मैं आपको पहले बताया वहाँ पे थोड़ा सा छाव टाइप बना हुआ था, क्योंकि धूप सामने के साइड था, तो जो मंदिर है उसका छाव आ रहा था दूसरे साइड पर। ये देखिए वहाँ पे आपको माउंटेन और क्लाउड नज़र आएगा, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पर ग्रीनरी के आगे, आप अगर ध्यान दोगे तो। इसके बाद में मैं ज़रा सा आपको क्लोज़र लुक में भी बताने का ट्राई करूँगा ये वीडियो में। ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम विजिट था, बट बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा ये देवस्थान में विजिट करने का, और जो आजू बाजू का नेचर मैंने देखा यहाँ पर। ये देखिए माउंटेन्स आपको क्लीन नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स वहाँ पे उतरा हुआ है, और ये ग्रीनरी है, और नीचे के साइड पर ऐसे मैंने आपको बताया पूरा बेडशीट छाया हुआ है ग्रीनरी के यहाँ पर। थोड़ा सा जो लेंस है हमारा, वो लेंस में अगेन थोड़ा सा फॉग टाइप पकड़ा हुआ था, तो मे बी पॉसिबली जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो उतना क्लीन नहीं है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी मेरे दोस्त करते हुए, मैं भी उन्हीं के साथ जुड़कर थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ, कि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, तो वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दोस्त भी आपको दिखा रहा है जो क्लाउड्स छाया हुआ है यहाँ पर। फिर ये हमारा रिटर्न ट्रिप था, हम लोग यहाँ से वापस आ रहे थे नीचे की तरफ, मतलब रिटर्न ट्रिप था हमारा। ये मंदिर में देवस्थान हो गया वहाँ पे, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो क्लाउड्स आप देखोगे, वहाँ से हम पीछे की तरफ से आए थे यहाँ पर। और ये काई जो मैं आपको बोल रहा था वो आगे वीडियो के स्टार्ट में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा काई की तरफ। ये देखिए क्लाउड्स आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा क्लाउड्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखिए क्लाउड्स, ब्लू स्काई, और आगे का नज़रिया आप देखोगे तो इस तरीके से क्लीन एकदम नज़र आएगा आपको। ये देखिए अगेन वहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो है बारवी डैम साइड। नेक्स्ट वीडियो में उस पर ही बनाने का ट्राई करूँगा। ये सामने का साइड आप देखोगे तो पूरा क्लीन सा नज़रिया है, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर यहाँ पे। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। कॉफी साल कड़ी फुल कड़ी ऊपर से फुल कड़ी और छाछ।